फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस डिज़ाइनर डबल लेयर अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन फैब्रिक है, और साथ ही मैंने लेस ले ली है जो कि करीब मैंने ये 5 मीटर ली हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। कपड़ा विड्थ में डबल फोल्ड है और विड्थ में ये कपड़ा डबल फोल्ड में 21 इंच है, यानी कि ये 42 विड्थ का कपड़ा है। सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में विड्थ में मैंने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ से इसकी लेंथ हम निकालेंगे टॉप पार्ट की, तो वो मैं 15 इंच मार्क करूँगी। ये बनने के बाद 14 इंच रेडी होगी टॉप पार्ट की, तो यहाँ पे 15 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरह से, और अभी इतने कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो अभी यहाँ बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे, वो मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के इस तरह से। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो मैं इसे 34 चेस्ट का बना रही हूँ, उसका 1/4 8.5 इंच, और 2 इंच इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। टोटल मैंने 10.5 इंच लिया है। वेस्ट मैं 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 7 इंच, 2 इंच का हम इसमें भी मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने 9 इंच ले लिया है वेस्ट के लिए। अभी यहाँ से आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और यहाँ तक इसे गुलाई देंगे, 1/2 इंच अंदर से फ्रंट के लिए आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है। इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे बैक का, ये फ्रंट का पार्ट है। अभी हम इसकी आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये टॉप का पार्ट हमने कट कर लिया है। अभी देखिए बॉटम के लिए जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने डबल में कर लिया है। इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं बॉटम के लिए। और यहाँ कॉर्नर पे वेस्ट का 1/4 लेंगे और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, टोटल 7.5 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ से ये 9.5 इंच आ रहा है ऊपर से, तो हम इसे गोलाई में इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ वेस्ट मार्क कर ली। उसके बाद हम इसकी टोटल लेंथ मार्क करेंगे, तो 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे टॉप पार्ट की लेंथ, और उसके बाद यहाँ से आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लें। मैं यहाँ पे 46 इंच मार्क कर रही हूँ टोटल लेंथ के लिए। तो इस तरह से 46 इंच को गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसकी वेस्ट भी हम कट कर लेंगे और ये किनारे पे जो ये प्लेन कपड़ा है इसे भी हम कट कर लेंगे। बॉटम हमने कट कर ली है। इसे हम डबल लेयर में बना रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और इसके बाद इसकी लेंथ देखिए 32 इंच की है वेस्ट से। अभी हम इसकी सेकेंड लेयर कट करेंगे, तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया मैंने, और जो हमने फर्स्ट लेयर कट की थी वेस्ट, वहाँ से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर से हम वेस्ट इस पर मार्क कर लेंगे, और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो जो सेकेंड लेयर होगी उसकी लेंथ मैं यहाँ पे 18 इंच मार्क करूँगी। यहाँ से 17 इंच ये तैयार मुझे चाहिए बनने के बाद, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 18 इंच मैं इसमें लूँगी। जो सेकेंड लेयर की लेंथ है वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से गोलाई में इसे भी हम मार्क कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये सेकेंड लेयर भी हमने कट कर ली है।
ये फर्स्ट लेयर पे इस तरह से ओवरलैप होके आएगी। तो बॉटम हमने कट कर लिया है, अभी हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, ये फोर लेयर में मैंने रखा है। इसे लेंथ में 13 इंच रेडी मुझे चाहिए, तो जो प्लेन फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ से अभी देखिए ये 12 इंच है, 1.5 की हम इसमें स्ट्रिप कट करेंगे। और इसकी विड्थ जो मैंने ली है वो 11 इंच की है, नॉर्मल जितनी हम लेते हैं उसे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे 3 इंच मार्क करेंगे और स्लीव की सेप देंगे इस तरह से, यहाँ हल्की सी यहाँ पे सेप देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स हमने कट कर ली है। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं दोनों स्लीव्स के लिए, 14 इंच है। और यहाँ देखिए ये इस तरह से अटैच होगी, जो एक्स्ट्रा है उसकी हम यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे। तो अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट है, ये नेक की विड्थ 3 इंच मार्क कर लेंगे और नेक डीप बैक के लिए मैं इसमें 1.5 इंच मार्क करूँगी। हम इसमें पीटर पैन कॉलर बनाएंगे, तो 1.5 हमने बैक के लिए और 3 इंच फ्रंट के लिए मार्क कर लिया। दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे ये बैक के लिए। तो पहले बैक नेक कट कर लेते हैं, उसके बाद फ्रंट की नेक हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ शोल्डर पे हम 1/2 इंच की स्लोप देंगे, तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। अभी बैक पार्ट को हटा लेते हैं, ये फ्रंट का पार्ट है, इसमें भी हम नेक में गोलाई देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। और अभी बैक का पार्ट लेंगे, तो नेक हमारी छोटी होगी तो पहनने में दिक्कत होगी, इसलिए बैक को थोड़ा सा हम ओपन रखेंगे। यहाँ पे 4 इंच मार्क करेंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, इसे भी हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ तक इसे कट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ रखेंगे और इसी शेप में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बैक पार्ट इसका तैयार कर लिया है। अभी हम इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे, तो दोनों की सीधी साइड एक साथ मिलाते हुए शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर सिलाई लगा लिया है। अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे, तो इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी मैंने ये 4 पीसेज ले लिए हैं कपड़े से। विड्थ इसकी 12 इंच ली हुई है और लेंथ में ये 6 इंच है। अभी इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम 1/2 इंच छोड़ के रखेंगे सिलाई के लिए इस तरह से। देखिए 1/2 इंच छोड़ दिया। और उसके बाद इस सेप को हम कपड़े पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर से इसको मार्क कर लेंगे। तो गोलाई मार्क करने के बाद हम देखिए एक साइड से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, ये 3 इंच हमने मार्क किया और गोलाई में इसे मार्क करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ सेंटर तक हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए दूसरी साइड से हम इसे 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तरह से इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ किनारे पे देखिए इसे गोलाई देंगे इस तरह, दूसरी साइड से भी इसे गोलाई में मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम इसी शेप में इसे कट कर लेंगे।
तो इस तरह से नेक हमने कट कर ली है। अभी देखिए ये हमारे पास चार पीसेस हैं, तो इस तरह रख लेंगे, दोनों की सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे, इस तरह से एक साथ मिला के रखना है। और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से मार्जिन लेते हुए यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे सीधी साइड में। कट्स बनाने से ये आसानी से टर्न हो जाएंगी और अभी हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से सभी दोनों पीसेस को इसी तरह से हम टर्न कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसे कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर से इसको मिला के रखना है। जो चौड़ी वाली साइड हमने कट की थी उसको हम यहाँ फ्रंट के सेंटर में मार्क करेंगे, स्टिच करेंगे। तो इस तरह से बराबर से मिला के रखना है और यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। जो दूसरा पार्ट है उसे भी यहाँ सेंटर से मिला के रखेंगे और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए पीछे तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसमें भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि ये आसानी से ऊपर की साइड टर्न हो जाए। इस तरह से अभी हम इसे टर्न कर लेंगे सीधी साइड में। इस तरह से उसके बाद इस पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। और ये स्लीव भी हमने देखिए यहाँ स्टिच कर ली है, यहाँ एक सेंटर में मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ से मिला के रखना है और ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है स्लीव में उसकी हम छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लेट्स लगा के स्टिच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से हम इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये टॉप का पार्ट हमने तैयार कर लिया है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो पलट के उल्टे साइड से रख लेंगे और यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। चेस्ट से एक साइड, चेस्ट सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे, वेस्ट का भी 1/4 मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, वो मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ, इस तरह से मिला लेंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड भी वेस्ट का और चेस्ट का सेंटर से 1/4 मार्क कर लेंगे, यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है टॉप पार्ट में। और अभी हम इसका बॉटम तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद यहाँ बिल्कुल बराबर से नाप लेते हैं। इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा के पूरा नीचे तक इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से ये जो सेकेंड लेयर है इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे एक साइड से। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये इसकी सेकेंड लेयर है। तो इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे, यहाँ दोनों साइड इसके मिला के रखेंगे, सिलाई एक साथ मिला के रखेंगे। पहले इसे हम स्टिच कर लेंगे वेस्ट से एक साथ मिला के, उसके बाद हम टॉप पार्ट को इसमें स्टिच करेंगे। इसे भी देखिए इस तरह से जो सिलाई है यहाँ पे मिला के रखेंगे दोनों साइड से। इस तरह से और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड मैंने ये लेस स्टिच कर ली है, वेस्ट में भी ये लेस मैंने स्टिच कर ली है। ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा।